Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, pyare viewers. Welcome to my YouTube channel. Kaise hain aap sab? Umeed hai ki aap sab theek thaak honge aur bahut khush honge. Aaj main apni kitchen mein jo recipe leke aayi hu wo hai bread potato rolls. Uske liye teen cheezon ki zarurat hai. Usme hai bread slices aur main ubale hue aloo hai. 1 teaspoon lal mirch hai kuti hui aur 4 se 5 adad sabz mirch hai kuti hui. 1 teaspoon namak hai, 1 teaspoon kashmiri powder hai, 1 teaspoon chaat masala hai, 1/2 teaspoon haldi hai, 1 medium size ki gajar barik kaat li hai. Uske baad 1 pyaaz choti barik kaat li hai, sabz dhaniya hai aur 2 adad ande hai jinko hame fry karne ke liye zarurat hai. Uske baad hai bread crumbs. To chaliye apni recipe ko start karte hain. तो इसके लिए सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। हम इसमें जो बारीक कटी हुई प्याज है वो ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे हम। इसमें गाजर शामिल कर दी। जी अब ये हमारी गाजर और प्याज हल्का सा इनको मैंने सौते कर लिया। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये नमक है, कुछ धनिया पाउडर, अच्छी तरह से नेक्स्ट है हल्दी जो 1/2 टीस्पून मैंने ली थी। इसके बाद है ये कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें मैं किसी भी लाल मिर्च शामिल नहीं करी क्योंकि मैंने सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल किया है और कुटी हुई मिर्च यूज़ की है, इसलिए वो मिर्चें तेज ना हो जाए इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसको हल्का सा ऐड कर रही हूँ ये जो मैश किए हुए पोटैटो के लिए। हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया, हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ और सब्ज धनिया ये जो मैंने बारीक काट लिया है इसको। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। जी तो अब ये मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, सारी स्टफिंग को पैन को खाली कर लेती हूँ। हम ब्रेड के जो स्लाइसेस लिए हैं उनको साइड से जो ब्राउन साइड्स हैं उनको कट कर लेंगे।
ये स्लाइस लेंगे हम इसके अंदर इसको हम हल्का सा पानी में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना वरना ये टूट जाएगा। इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। इसको हल्के हाथों से इसको हम रोल कर लेंगे। बाकी सारे रोल हम तैयार करेंगे। ये मैंने दो अंडे तोड़ लिए, अब मैं इसमें एक चुटकी काली मिर्च, ये तो अब मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इस ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। इसमें एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो हम देखिए साइड चेंज कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता कलर देखें इनको भूल जाओ। तो ये हमारे ब्रेड पोटैटो रोल्स रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।